ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मुझे आलाकमान इस्तीफा देने को कहे तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, मुझे पद का मोह नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा जो भी इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं उन्हें प्रदेश और प्रदेश के विकास से दिक्कत है। गौरतलब है कि पिछले दो सप्ताह से छत्तीसगढ़ में बड़े राजनीतिक बदलाव की बात चर्चा में है। इधर निगम मंडल आयोग ने निगमायुक्तों को लेकर भी पार्टी में भारी असंतोष चल रहा है। इन नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया सहित सभी मंत्रियों की कई दौरों में बैठक हो चुकी है, मगर ये नियुक्तियां अधर में लटकी हैं। दरअसल मंडल निगम आयोगों में जितने पद हैं उससे तीन गुना ज्यादा दावेदार अपनी दावेदारी बता रहे हैं। इसके पहले जो एक सूची जारी की गई थी उसमें बघेल खेमे के समर्थकों को मौका दिया गया था। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस, मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे वो लोग। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।